तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ तो दिवाली का त्योहार है, पूरा देश दिवाली के त्योहार में पूरी तरह से व्यस्त है, हर कोई खरीदारी कर रहा है, अपने घरों को सजा रहा है, लेकिन एक तरफ पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालयों के बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इनकी मांगों को लेकर पिछले 5-6 दिनों से सफाई कर्मचारी करनाल समेत पूरे हरियाणा के हड़ताल पर है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम सफाई कर्मचारी किस तरह से त्योहार छोड़कर हड़ताल करने को मजबूर है। तमाम महिला सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिरकार काली दिवाली मना रहे हैं और क्यों हड़ताल कर रहे हैं, कई दिनों से कूड़े का उठान नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? काली दिवाली तो इसलिए मना रही है, खट्टर मारा कोई फैसला नहीं कर रहा। अगर आज वो हमारा फैसला कर दे तो अभी उठ जाते हम, जब तक हमारा फैसला नहीं तो तब तक उठ दे नहीं। और जो हमारा कौशल रोजगार वो बंद किया जाए, कच्चे को पक्का किया जाए, और जो हमारा जो हमारा ये मंच है, जो भी हमारा मंच का फैसला होगा उसकी सारी तहकीकात खट्टर के पास जाए, जो फैसला होगा वो हम उसका मंजूर करेंगे। तो शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, आपको पता कि त्यौहार है, त्यौहार में तो लोग अपने घर साफ करते हैं, लेकिन गंदगी ही गंदगी फैली हुई है पूरे शहर में। फैलन दे, गंदगी से हमने कोई मतलब नहीं। जब हम यहाँ बैठे अपनी काली दिवाली मना रहे, उनकी दिवाली से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चे भी तो ऐसे बैठे हैं, हम अपना घर छोड़कर हम अपने घर में भी साफ सफाई कर सकें। हम ऐसा नहीं कि हम दो दीवे खरीदने के लिए बाजार तक गए हो, जब हम यहाँ बैठे तो बाजार में जाने का हमारे टाइम कहाँ से मिला। तो हमारा भी हमारी जब काली दिवाली मिल लिया तो सरकार ने भी काली दिवाली मनानी चाहिए, और जितना भी और नगर मोहल्ला करनाल सिटी है, मैम हमने कहा इसमें भी काले दीवे जलने चाहिए शाम को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हड़ताल पर बैठे और क्या मांगे आपकी, क्यों बैठे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांगे पूरी करो जी, जैसे हम यहाँ बैठे हैं हमारी मांगों को पूरे करे। कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। कब तक बैठे रहेंगे जी? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती जी, हमको पक्का नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं तमाम सफाई कर्मचारी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मचारी भी शामिल है, उनका कह रहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वह यहाँ पर बैठे रहेंगे और इसी तरह से काली दिवाली मनाएंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल में है, करनाल में 4 बजे पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से बैठकर बातचीत जरूर करेंगे। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे थे करनाल के नगर निगम कार्यालय के सामने, जहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं वो 6 दिनों से पूरे शहर में हड़ताल पर हैं। पूरे करनाल ही नहीं, पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि सरकार जब तक इनकी मांगे नहीं मानती ये तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे, कूड़े का उठान नहीं करेंगे, और सीधे तौर पर कह दिया है कि काली दिवाली भी मनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हालांकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में आ रहे हैं, 4 बजे कार्यकर्ताओं के साथ जो है दिवाली कार्यक्रम में शिरकत
करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी है या जो हरियाणा में जो सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है 5 से 6 दिनों में उसका कहीं ना कहीं जल्द से जल्द समाधान जरूर होगा। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ तो दिवाली का त्योहार है, पूरा देश दिवाली के त्योहार में पूरी तरह से व्यस्त है, हर कोई खरीदारी कर रहा है, अपने घरों को सजा रहा है, लेकिन एक तरफ पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालयों के बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इनकी मांगों को लेकर पिछले 5-6 दिनों से सफाई कर्मचारी करनाल समेत पूरे हरियाणा के हड़ताल पर है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सरकार कुछ प्राइवेट कर्मचारी लगाकर कूड़े का उठान जरूर करवा रही है, लेकिन वहां भी सफाई कर्मचारी उनको मना कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के नगर निगम कार्यालय के सामने से आप देख सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 कट्टर पट्टर मुर्दाबाद, 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 25 अप्रैल व 4 अगस्त का समझौता लागू करो, लागू करो। तो तमाम सफाई कर्मचारी लंबी हड़ताल पर है, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम कार्यालय के बाहर बैठे हैं, क्यों आखिरकार काली दिवाली मना रहे हैं, क्यों आखिरकार दिवाली से पहले आप इस तरह की हड़ताल पर चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर महाराज जो है ना, मेरा नाम राम सिंह है, मैं इकाई प्रधान। यहाँ जो महाराज पहले 3 महीने पहले अल्टीमेटम दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया अभी अल्टीमेटम पर ये हड़ताल करेंगे या जो प्रोग्राम करेंगे, जितने हमारे मांगे थी, पहली मांग तो हमारी थी कि कच्चे को पक्का करना, दूसरी मांग है जो ये कौशल विभाग में भेज दिए अग्निशमन वाले, इनको वापसी लेना, निगम उसी तरह समझित करना, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जो है ना, जैसे आम पुलिस वालों को भी सभी को जोखम भत्ता दिया गया, जोखम भत्ता हमारे को भी दिया जाए, हमारे को जोखम भत्ता देने की बात करी, जोखम भत्ते अभी तो तोड़ मोड़ का, जैसे सभी कर्मचारी को, क्या पुलिस वाले सारे एक सारा या डॉक्टर सारे एक सारा? हमारे अंदर कैटागिरी क्यों बनाई गई? हमारे अंदर कैटागिरी बनाई गई सफाई कर्मचारियों के ऊपर कैटागिरी बना दी, पहले नंबर का जो होगा उसको 4,000, दूसरे नंबर का होगा उससे 3,000 और जो तीसरे नंबर का वो 0। तो इन मांगों की तरफ विचार हुआ, सरकार ने कोई बात करी, आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं करनाल में, क्या कोई आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला अब तक। कल प्रशासन के साथ हमारी बातचीत हुई, प्रशासन ने हम बुलाए, भाई हमने कूड़ा उठाने दो, हमने कहा सर कूड़ा उठाओ, हम जवाब नहीं देते, अभी आपके साथ हैं हम, कोई देशद्रोही नहीं है भाई, जनता के विरोधी नहीं है, और जनता के विरोधी है तो सरकार है, खट्टर है या फिर इनके मंत्री हैं,
जो कि आज हमने 3 महीने पहले अल्टीमेटम दिया, हमारे दे बातचीत के माध्यम से सॉर्ट आउट करना चाहिए था, उन्हें कोई बातचीत के माध्यम से। हमारे सीएम हाउस के बाहर काफी गर्मा गर्मा ही रही, रात 2 बजे तक 3 बजे तक आप वहाँ खड़े रहे, वो प्राइवेट कर्मचारियों से कूड़ा उठाना चाह रहे थे, लेकिन आप चाह रहे थे कि कम से कम आपकी मांगे मानी जाए, उसके बाद ही कूड़ा उठाने दिया जाएगा। हमने तो ये भी बात कही थी भाई, हम हमारी बातचीत करा दो, बातचीत कराने के बाद हम 1 घंटे में ही कूड़ा साफ करके दिखावा, हम करेंगे सफाइयाँ, क्योंकि सफाई तो हम ना पता ना किस तरह होगी, इन्होंने क्या पता सफाई का। आप देखा भी होगा, आप सुबह गए भी होंगे, मैंने जिस टाइम आप फोन करे थे, आप ही ने ये देख रही है भाई कितना कूड़ा उठा रखा होना, किस तरीके से उठा रखा है, और मारा कूड़ा उठाया देख लियो भाई किस तरीके से उठावा, हमने कूड़े का पता, हमने प्रैक्टिकली पता उसका, इन्होंने क्या पता कूड़ा उठाने का। लेकिन कुछ लोग, आपकी बात ठीक है, आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचनी भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट कर देना चाहिए इस पूरे संस्थान को, जो सफाई कर्मचारी है उसको प्राइवेट कर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो अब पिछले कई सालों से काम नहीं करते हैं, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन अगर किसी गली मोहल्ले में सेक्टरों में लगे हुए हैं तो वो आते ही नहीं है, सफाई ही नहीं करते, कूड़ा ही नहीं उठाते। ये झूठ बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे सरकार के आदमी हैं जो इस तरीके की बात करेंगे। मान ले आम आदमी, आम जनता ने यह बात नहीं करी, आम जनता कहीं भी किसी गली मोहल्ले में जाकर देख ले इतनी साफ सफाई है कि पूछा ना। आपने सेक्टरों में देखा होगा, सेक्टरों के अंदर सुबह सुबह जाकर जो झाड़ू लामा तो फिर वो कैसे झाड़ू लग जाए, कैसे सफाई मिला, और कैसे इन लोगों की, ये जो अपने ऑफिसर होते हैं इनकी प्रमोशन कैसे होती है, इनके नंबर कैसे बनते हैं, अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करता फिर काम कौन करता। दिवाली का त्यौहार है, क्या इसी तरह से बैठे रहेंगे या घर जाकर बच्चों से दिवाली मनाएंगे? सर बस ऐसे ही बैठे हम तो, और कल भी, कल दिवाली है, कल भी हम प्रदर्शन करेंगे देश, यहाँ शहर के अंदर मुख्य बाजारों में प्रदर्शन करेंगे, और काली दिवाली का, ये काली दिवाली के नारे लगाएंगे। देख सकते हैं सरकार ने अगर इनकी मांगे नहीं मानी तो काली दिवाली मनाएंगे, इनका कहना ये है, और इसको लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे, क्यों काली दिवाली मनाने को मजबूर होना पड़ा? पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ पहुँचे हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। हमारे को कोई हड़ताल करने का, धरना करने का शौक नहीं है, सरकार से हमारी वादा हुए निकाय मंत्री थे पहले तो हमारे अनिल विज जी, बड़े दबंग नेता थे, वो भी इस महकमों को छोड़ कर चले गए, अभी डॉक्टर कमल गुप्ता जी आए हैं, उन्होंने भी वादा किया है लेकिन वादा पूरा नहीं करा। 25 अप्रैल का समझौता आया था हमारा, तो उस समझौते में एक तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात हो, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात हो, एस ग्रेसिया पॉलिसी लागू करने की बात हो, यह सारी बातें बिल्कुल विफल रही। और कमल गुप्ता जी ने अभी परसों मीटिंग थी उसके साथ, तो उसना वो छोड़ का भाग गया, उसना कर्मचारियों को कुछ भी देने का से मना कर दिया, तो इसलिए कर्मचारी ज़्यादा रोष में है। सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब से हम अपील करते हैं भाई, ये कच्चे कर्मचारी हैं, इन कच्चे कर्मचारियों को अपनी कलम से पक्का कर दे। सप्ताह में आने से जब नहीं आए थे तब तो बोलते थे भाई हमने इनके लिए कलम बनाई है, तो भाई हम पहली कलम से इनको पक्का करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्या वो कलम अब टूट गई या कहीं चली गई? अब सब वोटिंग के टाइम में तो हाथ जोड़ते हैं हमारे सामने, भाई वोट दो, आपका ये भी काम करेंगे, तो अभी तक सरकार जुमला देने का काम कर रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, या तो तुरंत प्रभाव से 2, 4 या 10 दिन जितना भी सरकार समय लेना चाहती हो ले ले, और हमारे को पक्का करे, वरना अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर सफाई कर्मचारी मजबूर होगा। मेरा नाम विनोद परोचा, करनाल इकाई से उपप्रधान। तो आप देख सकते हैं लगातार तमाम सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं।